Good morning, students. I have the first chapter on the best Christmas present in the world for 8th class. और हम इसका जो कुछ पार्ट है वो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. आज हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे. तो आपको पता है अगर हम इसकी बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. तो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड मतलब संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार, ठीक है. तो ये हमने क्या पढ़ा था कि जो नरेटर है उसको एक जब शॉप में एक रोल टॉप टेस्ट मिलता है और उसको एक रोल टॉप टेस्ट चाहिए था वैसा, तो इसलिए उसको क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है, ठीक है. तो वो किस चीज का बना हुआ था, ठीक है. लेकिन उसकी जो कंडीशन थी वो बैड कंडीशन में था, ठीक है. इसलिए नरेटर ने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूंगा, इसको मैं कर लूंगा. इसलिए उसने उसको खरीद लिया, ठीक है. और उसको वो अपनी अपने घर के अंदर जो गैराज के पीछे वर्कशॉप की वहां पर ले गया, ठीक है. उसने वहां पर उसके जाकर के देखा कि उसने कंप्लीटली उसको रोल उसका जो रोल टॉप था उसको रिमूव कर दिया. उसके अंदर से क्या निकला, ड्रॉ निकला, एक सीक्रेट ड्रॉ, ठीक है. मतलब जो टाइटली शट था उसने जोर लगा के उसको खोला, ठीक है. तो उसके अंदर से एक सीक्रेट ड्रॉ निकला. तो देखो हमने यहीं तक पढ़ा था, आगे देखते हैं. यहां पर है पेज नंबर 10, देयर वाज समथिंग इन देयर. यहां निकाल लें, आप यहां बुक निकाल लें, साथ में मुझे फॉलो करें और मेरे साथ रीड करें ताकि आपको लेसन अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए. और फिर हम जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो क्वेश्चन आंसर के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए, रेडी, लेट्स स्टार्ट. There was something in there. अब जैसे ही नरेटर ने उस सीक्रेट ड्रॉअर को खोला, तो उस सीक्रेट ड्रॉअर के नीचे क्या था? कुछ चीज थी. I reached in and took out a small black tin box. मैंने उसको खोला, उस सीक्रेट ड्रॉअर को खोला. नरेटर कहता है कि और उसमें से कुछ ब्लैक कलर की ब्लैक कलर का छोटा सा टीन का बॉक्स निकला, ठीक है. नरेटर ने उसको खोला, उसमें से क्या निकाला, अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, ठीक है. क्या निकाला उसमें से, याद रखना है आपने, नरेटर को क्या मिला था वहां से. व्हाट डिड द नरेटर फाइंड, क्या मिला उसको, ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स. शेलो केक टू द टॉप of it was a piece of lined notepaper. Sellotape था, वो tape लगाई थी इसके ऊपर, sellotape होती है ना, तो वो लगाई थी इसके ऊपर top पर. It was a piece of lined notepaper. मतलब ये क्या था? ये एक line वाला notepaper का एक टुकड़ा था, जैसे हमारी copy होती है ना उस तरह से. And written on it in shaking hand. Handwriting, और shaky handwriting मतलब जब हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं मतलब हाथ भी नहीं उठाते, ठीक है. और जल्दी जल्दी लिखते हैं तो उसको बोल देते हैं shaky handwriting, मतलब जैसे लोग लिखते हैं ना, हाँ जी इस तरह से. तो वो line note paper के ऊपर क्या लिखा गया था, कुछ लिखा गया था shaky handwriting में, ठीक है. क्या लिखा गया था, ये most important है, ठीक है. आप इनको अंडरलाइन कर लें, ठीक है, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स को और एक यहाँ पर तो ये लाइन हम अभी पढ़ेंगे, इनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, पेन शीट पे. क्या लिखा गया था उसमें, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915. जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915, जो कब मिला, January 25, 1915 में, ठीक है. January 25, 1915, ठीक है. डे कौन सा था, मतलब डे एंड जो सब ईयर होता है, ठीक है. January 25 month, January, day 25 and
जो ईयर था वो कौन सा था, 1950, ठीक है। और किसका लेटर था, वो जिम का लेटर, किसका था, जिम का, ठीक है। टू बी बिल्ड विद मी वेन द टाइम्स कम, क्या लिखा गया था उसके अंदर, कि जब भी समय आए ये मेरे साथ दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब ये लिखा गया था उसके अंदर, ये उसके अंदर लिखा गया था, जिम का ये लास्ट लेटर है, कि भाई जिम कोई पर्सन है, उसने लेटर लिखा किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। और वो लेटर कहाँ था, उसे सीक्रेट ड्रॉअर में, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिखा गया था, कि जनवरी 25, 1915 को रिसीव किया गया, और यदि किसी को मतलब यदि ऐसा होता है कि युद्ध में मेरी डेथ हो जाती है तो वो लेटर है वो मेरे साथ दफना देना। तो लेटर क्या सोचता है, आई नो एज आई डिड इट दैट इट वाज नॉट मी टू ओपन द बॉक्स, लेटर जानता था, वो कहता है कि मैं जानता हूँ एज आई डिड, मैं जैसा कि मैंने किया ये क्या था, ये गलत था, ठीक है। भी इस बॉक्स को ओपन करना मेरे लिए क्या था, गलत था, सही नहीं था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स, स्क्रिपल्स क्या होता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स, कुछ ऐसी भावनाएं जिसमें हम सोच लेते हैं कि चलो ये तो करते ही, ठीक है, इसको बोलते हैं स्क्रिपल्स, ठीक है। तो क्या हुआ, लेकिन जो क्यूरियोसिटी है गॉट द बेटर, उसने क्या किया, मेरी फीलिंग्स को क्या कर दिया, बढ़ा, मुझे एक्साइटेड कर दिया कि मैं उस बॉक्स को खोलूं, एंड इट यूजुअली डस। और सामान्यतः ऐसा ही होता है, ठीक है, जब हम हमारे सामने कोई ऐसी सीक्रेट चीज होती है तो हम उसको डिस्क्लोज करने की कोशिश करते ही करते हैं, मतलब हम अपनी फीलिंग्स को सरप्रेस नहीं कर सकते। इनसाइड द बॉक्स के बाद हमने मिला, तो उसके अंदर क्या था, उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा, ठीक है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप, एनवलप कहते हैं लिफाफा जिसके अंदर हम एक लेटर डालते हैं ना, ठीक है, वो द एड्रेस रेड, और एड्रेस जो उसके ऊपर था वो क्या था, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रिजेस ब्रिटपोर्ट डोरसेट, ठीक है। तो उसके ऊपर किसका एड्रेस लिखा गया था, उस एनवलप के ऊपर, जैसे हम किसी को लेटर सेंड करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सेंडर को रिसीवर, जैसे हम भेज रहे हैं तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद जिसके पास वो लेटर हम भेज रहे हैं रिसीवर के पास उसका एड्रेस लिखेंगे। तो वो रिसीवर था, वो कौन था, मिसिस जिम मैकफर्सन, ठीक है। और लेटर लिखा किसने था, जिम ने, ठीक है, मिस्टर जिम ने वो लेटर लिखा था किसको, उसकी वाइफ जिम मैकफर्सन को, ठीक है। उसका एड्रेस ये दिया गया था, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसको खोला, अनफोल्ड कर दिया, इट वाज रिटन पेंसिल, ये पेंसिल में लिखा, पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके ऊपर डेट लिखी गई थी दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914 की डेट लिखी गई थी जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ठीक है। यस, नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, डीएस कोनी, इसके क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, क्या मिला ऑथर को, जंक शॉप पे क्या मिला था, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, ये पहली लाइन में इसका उत्तर है। लेकिन नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर, और जब उसने रोल टॉप डेस्क को खोला उसमें एक सीक्रेट ड्रॉअर निकला था, तो सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला उसको, क्या मिला था, अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ही फाउंड अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉअर। नेक्स्ट आता है, डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आप क्या सोचते हो ये किसने रखा था, यहां किसने रखा था, मिसिस जिम मैकफर्सन ने, ठीक है, मिसिस जिम मैकफर्सन, आई थिंक मिसिस जिम मैकफर्सन हैड पुट इट इन देयर, क्लियर। सेकंड पार्ट आता है, डियरेस्ट को
dearest Tony, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. तो डेयस टोनी, प्रिय टोनी, कोनी उसका निकनेम है, इसका मिसेस जिम मैकफर्सन का, मतलब जिम मैकफर्सन की जो वाइफ है, ठीक है, उनका नाम क्या है, कोनी। आई राइट यू, मैं आपको लिखता हूँ, इन मच हैप्पियर टाइम, बहुत ज़्यादा खुशी वाले समय में, फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको ये पत्र लिखता हूँ, because something wonderful has just happened, कि कोई बिल्कुल ही अद्भुत चीज हुई है, अद्भुत घटना घटी है, ठीक है? That I must tell you about at once, जो मैं तुम्हें इसी समय बताना चाहता हूँ, ठीक है? ये मुझे इसी समय तुम्हें बता देनी चाहिए, एक wonderful incident हुआ, ठीक है? और मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके साथ ये वृत्तांत शेयर कर रहा था। कौन लिख रहा है? जिम मैकफर्सन। किसको लिख रहा है? मिसेस जिम मैकफर्सन। We were all standing in our trenches yesterday morning. ट्रेंच का मतलब होता है जो लंबी गहरी खाई होती है, आपने सोल्जर्स को देखा होगा, वो एक गहरी खाई खोद देते हैं, उसके अंदर बैठते हैं, ठीक है, अपने एनिमी को शूट आउट करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है, उस लंबी गहरी खाई को क्या बोलेंगे, ट्रेंचेस। उसने क्या किया कि वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, कि कल सुबह हम अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, हम सब सैनिक अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, कब, कल सुबह, क्रिसमस मॉर्निंग, और क्या थी, क्रिसमस मॉर्निंग थी, ठीक है, इट वाज क्रिस एंड क्वाइट ऑल अबाउट, इट वाज क्रिस एंड क्वाइट ऑल अबाउट, ये बिल्कुल मजेदार और बिल्कुल शांत दिन था, एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मतलब ये जो क्रिसमस मॉर्निंग थी वो बिल्कुल शानदार और बिल्कुल शांत वातावरण वाली थी और बिल्कुल ऐसी मॉर्निंग थी जो मैंने कभी देखी, मतलब इतनी शांति थी चारों तरफ, as cold and frosty as a Christmas morning should be, और वो इतनी ठंडी और इतनी कोहरे वाली थी, इतनी फ्रोस्टी थी कि जैसे कि क्रिसमस मॉर्निंग होनी चाहिए, मतलब इसी तरह का एनवायरमेंट था, क्रिसमस भी शांति का त्यौहार है तो इसलिए वहां पर शांति थी। I should like to be able to tell that we didn't need it, but the truth, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि I should like to be able to tell you that we began it, कि हमने शुरू किया, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने शुरू किया, but the truth, लेकिन सच्चाई क्या थी, I am ashamed to share, लेकिन मैं ये कहते हुए शर्मिंदा हूँ, is that Fritz began, ये किसने शुरू किया, Fritz ने, Fritz क्या है नाम पर आप, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, Fritz है जर्मन सोल्जर, Fritz क्या है, जर्मन सोल्जर को बोलते हैं, Fritz किसको बोलते हैं, जर्मन सोल्जर्स को, ठीक है, Fritz beginning, कि ये Fritz ने शुरू किया, भी ऐसा हमने शुरू करना चाहिए था, लेकिन ये मेरे भी कहते हुए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, कि ये Fritz ने शुरू किया, first someone saw a white flag beneath one of the trenches opposite, मतलब जो हमारे अपोजिट ट्रेंचेस थे, मतलब जो जर्मन सोल्जर थे, ठीक है, वहां से कोई एक, मतलब कोई सोल्जर, एक सोल्जर व्हाइट फ्लैग को लहराता हुआ दिखाई दिया, व्हाइट व्हाइट कलर किसका प्रतीक होता है, शांति का, ठीक है, शांति का प्रतीक होता है, मतलब जो फ्रिट्स थे, जर्मन थे, जर्मन सोल्जर थे, वो ये कह रहे थे कि आज के लिए शांति है, शांति बनाए रखें, ठीक है, then they were calling out to us from across moments ने happy christmas Tony, happy christmas, और तब हमें वो पूरे उस क्षेत्र में से, युद्ध क्षेत्र से सिर्फ वो क्या चला, एक ही आवाज आई कि happy christmas Tony, happy christmas, ठीक है, कि Tony
हैप्पी क्रिसमस। अब टॉमी कौन है? टॉमी है ब्रिटिश सोल्जर, ठीक है। टॉमी किसके लिए? ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के लिए। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, तो हम सब हैरान रह गए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हमें से कुछ चिल्लाने लगे कि वापस आओ, वापस आओ। सेम टू यू, आपको शर्म नहीं आती? सॉरी, सेम टू यू मतलब आपको भी, क्योंकि हमें से कुछ ऐसे बोलने लगे कि आपको भी हैप्पी क्रिसमस हो, मतलब आपको भी मुबारक हो। ट्रीट्स सेम टू यू, आई थॉट दैट वुड बी द, तो मैंने सोचा कि यह जो हुआ, वी ऑल डिड, भी हम सब ने भी ऐसा किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप इन हिज ग्रे ग्रे और ग्रे ग्रे और एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और तब अचानक वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाज अप देयर इन अ ग्रे ग्रे और ग्रे और, तो एक बड़ा सा कोट पहने, ग्रे कलर का एक बड़ा सा कोट पहने ऊपर आया एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, जो क्या कर रहा था, जो वाइट फ्लैग को ले रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स मतलब, लैड्स का मतलब यहाँ पर बॉयज, ठीक है। बी लैड्स, डोंट शूट, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट, और तब दूसरा जो फ्रिट्स था, दूसरा जो जर्मन सोल्जर था, वो पैरापेट पर आया। पैरापेट का मतलब ऐसे होते हैं सिंपली देखें घूमते, ठीक है, या ट्रेंच के ऊपर वाले जो जगह थी वहां पर आ गए, ठीक है। एंड अनदर, उसके बाद फिर दूसरा, कीप योर हेड्स डाउन, ये अपनी जो हेड्स है वो डाउन कर लो, ठीक है, अपनी बंदूकें जो नीचे कर लो। आई टोल्ड द मेन इट इज अ ट्रैप, ठीक है। तो मैंने तो क्या हुआ, देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोचा कि कीप्स योर हेड्स डाउन, भी अपने सर नीचे कर लो, क्योंकि हो सकता है कि जो दुश्मन है वो हम पर गोली चला दे। तो आई टोल्ड द मेन, मैंने उन सारे सोल्जर्स को, व्यक्ति को कहा, इट इज अ ट्रिक, चाल है, बट इट वॉज नॉट, की चाल नहीं थी, ठीक है। वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेयरिंग अ बोटल अबोव हिज हेड, और उनमें से एक जो जर्मन्स था वो क्या कर रहा था, वो अपनी बोतल को अपने सिर से ऊपर हवा में लहरा रहा, झुला रहा। इट इज क्रिसमस डे, टॉमी, टॉमी यह क्रिसमस डे है, वी हैव स्नैप्स, ठीक है, स्नैप्स, एंड वी हैव सॉसेज। स्नैप्स मतलब एक प्रकार की ड्रिंक होती है, स्नैप्स का एक प्रकार की ड्रिंक, जो जर्मन ड्रिंक होती है उसको बोलते हैं स्नैप्स। भी हमारे पास स्नैप्स है, हमारे पास सॉसेज है, ठीक है, सॉसेज। एंड वी मीट यू, हम आपसे मिलते हैं, यस, क्या हम आपसे मिले। बाय दिस टाइम देयर वर थाउजेंड्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस एट दैट मोमेंट, व्हेन वी, उस समय हमारी तरफ उस युद्ध क्षेत्र में डजंस ऑफ देम, लगभग दर्जनों हमारी तरफ बढ़ रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके पास कोई राइफल नहीं थी, कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व, लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो सबसे पहले उठा है। कम ऑन बॉयज, ऊपर आ जाओ बॉयज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद फिर कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, तो मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, और तब मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। एंड देन तब क्या हुआ, आई सपोज मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई ये है, इट नेवर इवन अकर टू मी, आई शुड, कि ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ। ऑल अलोन देयर लाइन एंड पास, आई कुड सी मी वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स मी एंड वन अनदर, और मैंने तब क्या देखा, तब देखा कि लोग हैं जो सोल्जर हैं वो एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, वो एक दूसरे की तरफ बढ़े। ग्रे कोट्स जो खाकी कोट्स थे वो एक दूसरे से मिले। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था, मतलब जो युद्ध चला हुआ था ब्रिटिशर्स और जो जर्मन के बीच, वो अब क्या हो गया था,
समाप्त हो गया था एट द टाइम ऑफ क्रिसमस। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब हम थोड़ी टाइम के लिए हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, और उन्होंने एक दूसरे से मीटिंग की। एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट, आई वाज पार्ट ऑफ दिस इन द मिडल ऑफ द वॉर, अभी बनने की पीस। तो युद्ध के बीच में, युद्ध क्षेत्र में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित कर रहे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो देखो, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब क्या है? क्यूरियोसिटी क्या होता है? उत्सुकता। स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स मतलब भावनाएं, दबी हुई भावनाएं कह सकते हैं। स्ट्रगल्स क्या होता है? भावनाएं, जो कभी भी भावनाएं होती हैं, मतलब हम उनको डिस्क्लोज करना चाहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल क्या होता है? अद्भुत, यह शानदार लिख सकते हैं, शानदार। ट्रेंचेस, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस क्या होता है? गहरी खाई, गहरी खाई, गहरी खाई। ठीक है, फ्रॉस्टी, उसकी करता है थोड़े का। अशेम, शर्मिंदा। वेविंग, फ्लैग को वेव करते हुए, लहराते हुए। Snaps, snaps क्या होता है? जर्मन, ये जर्मन ब्रीड है, जर्मन ब्रीड। Sausage, so,
ठीक है, तो ये रहेंगे आपके वर्ड नेम, इनको आपने क्या करना है, राइट एंड कलर अपनी देखो के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हैव अ डे।